हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर वाटर हीटर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर्स बताऊंगा, उनको खरीदते समय आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है वो आपको बताऊंगा, और मार्केट में कौन से टॉप मॉडल्स अवेलेबल हैं और उनका प्राइस कितना पड़ेगा, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सोलर वाटर हीटर जो है ये अलग कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सोलर पैनल्स जो होते हैं वो जो सन की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में जनरेट करते हैं, लेकिन सोलर वाटर हीटर जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक फॉर्म का कोई यूज़ नहीं होता। इसमें सन की एनर्जी को हीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर पानी जो होता है उसको गर्म किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो इस वीडियो में सारा हम कवर करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर्स की। तो प्राइमरीली दो टाइप्स के सोलर वाटर हीटर्स होते हैं। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे, सब कैटेगराइज करेंगे, तो इनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज बन जाती हैं, लेकिन प्राइमरीली दो ही टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर वाले, जिसमें उनकी जो ट्यूब होती है जिनके अंदर पानी कलेक्ट होता है, वो एक ट्यूब नहीं होती, एक फ्लैट प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। दूसरे होते हैं ट्यूब कलेक्टर टाइप वाले, इनको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। तो इनमें आप देख सकते हैं ट्यूब्स होती हैं, और ऐसी काफ़ी सारी ट्यूब्स इसमें लगी होती हैं जिनके अंदर पानी जाता है, और पानी जाने के बाद जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे ये पानी सारा गर्म होता है। अब सवाल आ जाता है इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है। तो बढ़िया की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बढ़िया माने जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जो पानी का टेम्परेचर है उसको काफ़ी हाई लेवल तक लेकर जाना है, तो वहाँ पर आप इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर वाला जो सोलर पैनल है उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया में टेम्परेचर है जहाँ पर 4 डिग्री उसके अबाव रहता है, तो वहां पर आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको पानी जो है वो 60 डिग्री के लेवल तक गर्म करना है तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर ये थोड़ा ठंडा एरिया, यहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे चला जाता है और जो मुझे पानी चाहिए वो 60 डिग्री से भी ज्यादा मैं गर्म करना चाहता हूं, तो वहां पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर ही कंसीडर कीजिए। इस वीडियो में जितने मॉडल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं वो भी इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर ही होने वाले हैं। सोलर वाटर हीटर के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें 3 तरीके के मेजर कंपोनेंट्स का यूज होता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बड़ा सा टैंक है, एक ये टैंक इसके अंदर मेन कंपोनेंट है। इसके बाद आपको ट्यूब्स दिखाई जो दे रही हैं, ये ट्यूब्स दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती हैं, और तीसरा होता है इनका स्टैंड जिसके ऊपर इस पूरे सोलर वाटर हीटर को रखा जाता है। सोलर वाटर हीटर के अगर मैं टैंक की बात करूं तो डिफरेंट टाइप का मटेरियल इसमें यूज होता है। स्टेनलेस स्टील भी यूज होता है, माइल्ड स्टील भी यूज होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन भी यूज होता है, और इसके अलावा कोटिंग वाला, स्पेशल कोटिंग वाला मटेरियल भी यूज होता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग काफी जल्दी लगता है, और इसलिए जो टैंक की लाइफ है वो काफी कम हो जाती है। और इसके बाद जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि माइल्ड स्टील, उसके बाद GI, उसके बाद जो स्पेशल कोटिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है, टैंक होता है, वो काफी बढ़िया माना जाता है। तो वही आप जितने बढ़िया लेवल तक जाएंगे उसका प्राइस डेफिनेटली उतना बढ़ जाएगा। दूसरा जो कंपोनेंट मैंने इसमें आपको बताया, ट्यूब्स बताई थी, ये बोरोसिल मटेरियल की बनी होती हैं। ये एक तरीके का कांच ही होता है जो कि टूट सकता है ट्रांजिट में। काफ़ी ऐसा देखा गया है कि जब आपको, आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं और ये आपके घर तक आ रहा है और इंस्टॉल होने में, तो इसमें बेशक ये ट्यूब टूट सकती हैं। और मैं आपको बता दूँ, इन ट्यूब्स के टूटने की कोई वारंटी नहीं होती। अगर आपके घर पर प्रोडक्ट आ चुका है, आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करने में आपसे एक भी ट्यूब टूट गई, तो आपको नई ट्यूब ऑर्डर करनी पड़ेगी। एक ट्यूब की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये के आसपास ये पड़ती है। तो ये जो मटेरियल होता है, मैंने आपको बताया बोरोसिल मटेरियल की ये ट्यूब बनी होती है। इसके बाद स्टैंड की बात कर लेते हैं, तो स्टैंड अगेन आपको एक बढ़िया मटेरियल का लेना चाहिए। गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल इसमें ज़्यादातर यूज होता है। दूसरे किसी मटेरियल का अगर आप अपना अलग से स्टैंड बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे 3 मेन कॉम्पोनेंट। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में जो आपको कंसिडर करने चाहिए एक सोलर वाटर हीटर खरीदते समय। सोलर वाटर हीटर खरीदते समय जो सबसे पहला पॉइंट आपको कंसिडर करना होता है वो होता है इस वाटर हीटर की कैपेसिटी। कैपेसिटी का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल एक पर्सन के हिसाब से 25 लीटर वाटर आप लेकर चलिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड है वाटर यूटिलाइजेशन का, उसके हिसाब से भी यही कहा गया है कि एक आदमी को लगभग एक दिन में 25 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक पर्सन के हिसाब से 25 लीटर पानी की कैपेसिटी लेकर चलिए। मार्केट में काफ़ी सारे वाटर हीटर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के आपको मिल जाएंगे। तो आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। 25 लीटर मैंने बताया एक जने के लिए, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 100 लीटर कंसिडर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो आप 150 लीटर और 200 लीटर भी कंसिडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आ जाता है वो है टैंक की क्वालिटी। अभी मैंने आपको कंपोनेंट्स जो बताए थे उसमें टैंक के अंदर मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है, माइल्ड स्टील का यूज़ होता है, इसके अलावा गैल्वनाइज्ड आयरन और कोटेड मटेरियल्स का भी यूज़ होता है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं सबसे पहले वहाँ देखिए कि वहाँ पर पानी का टाइप कैसा है, जो TDS होता है पानी का वो कैसा है, सॉफ्ट वाटर आता है आपके एरिए में या हार्ड वाटर आता है। अगर सॉफ्ट वाटर आता है तो आप कोई भी मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील सबसे सस्ता आपको पड़ेगा, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बढ़िया वाला लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो ऐसे में स्टेनलेस स्टील जैसा मटेरियल आप बिल्कुल प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि ये जो हार्ड वाटर है ये टैंक को अंदर से पूरा ख़राब कर देगा, जंग लग जाएगा उसमें पूरा, वो ख़राब हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में आपको कोटेड मटेरियल वाला जो टैंक होता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो हमेशा आप टैंक की क्वालिटी देखिए। इसके अलावा जो टैंक होते हैं उसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, ये जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है ये इनर टैंक की बताई है, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर होती है, एक फॉर्म की लेयर होती है, जिससे कि जो अंदर उसके अंदर पानी होता है वो जिस टेम्परेचर पर होता है उसी टेम्परेचर पर रहता है, यानी कि पानी गर्म रहता है। तो उसका भी आप देख सकते हैं कि उसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर इसमें PUF का यूज़ होता है, PUF का मतलब होता है पॉलीयूरेथीन फॉर्म या फिर ग्लास वूल का इसमें यूज़ होता है, और ज़्यादातर सोलर वाटर हीटर्स में इन्हीं दो तरीके के टाइप के इंसुलेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना होता है वो है बैकअप हीटर। बैकअप का मतलब ये हो जाता है कि जो सोलर वाटर हीटर आप अपनी छत पर लगवाएंगे, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन आपको धूप मिलेगी, हो सकता है कभी बरसात का मौसम हो सकता है, कभी बादल आ सकते हैं, और ऐसे में अगर आपको गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है और पानी आपको गर्म नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम काफ़ी बार ऐसा रहता है, तो ऐसे में बैकअप के तौर पर काफ़ी सोलर वाटर हीटर्स में अलग से एक इलेक्ट्रिक रोड उनके अंदर कनेक्टेड देखने को मिलती है, तो वो बैकअप के तौर पर काम करती है। मान लीजिए कभी सूरज नहीं निकला, काफ़ी दिनों तक मौसम ख़राब है, तो ऐसे में आप इलेक्ट्रिक रोड को, वो जो उसके अंदर कनेक्टेड है उसको इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ कनेक्ट करके आप जो पानी है टैंक के अंदर उसको इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ से गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है कि कितने एरिए की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो एक सोलर वाटर हीटर जो कि 100 लीटर कैपेसिटी का है, पर डे कैपेसिटी का, तो उसमें आप कह सकते हैं लगभग 2 से 2.5 square meters एरिया की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देखिए जितनी ज़्यादा आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ये एरिया भी बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको एक 100 लीटर पर डे वाला जो सोलर वाटर हीटर है उसके हिसाब से बता दिया, 2 से 2.5 square meters के एरिया की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास इतना एरिया है तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है वारंटी। अब वारंटी अगर मैं बात करूं तो सोलर वाटर हीटर में मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, ट्यूब्स होती हैं वो बोरोसिल मटेरियल की होती हैं, टैंक होता है उसका मटेरियल अलग होता है, जो नीचे स्टैंड है उसका मटेरियल अलग है। तो जब मटेरियल्स इतने सारे होते हैं तो वारंटी सब पर एक जैसी आपको नहीं मिल सकती, अलग अलग वारंटी मिलती है। टैंक की वारंटी अलग रहती है, बोरोसिल जो ट्यूब्स हैं उनकी वारंटी अलग रहती है, स्टैंड की वारंटी अलग रहती है। ऐसे में आप जिस भी ब्रांड का सोलर वाटर हीटर ले रहे हैं उसमें चेक कीजिए कि वो ब्रांड कितनी वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड वारंटी आपको देखने को मिलेगी वो 5 साल की देखने को मिलेगी, लेकिन हमारी वीडियो में हमने एक मॉडल ऐसा भी कवर किया है जो कि 15 साल की वारंटी दे रहा है अपने सोलर वाटर हीटर पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जो पॉइंट आपको देखना होता है वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। आप किसी भी ब्रांड का सोलर वाटर हीटर ले लीजिए, उस पर वारंटी कितनी भी मिल रही है, 1 साल 2 साल 5 साल या 15 साल, लेकिन उस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वारंटी तो बता दी ज़्यादा, लेकिन जब बाद में आपको कुछ इशू होता है और आप ब्रांड को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो ब्रांड आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। इसलिए इसमें मैं आपको यही कंसिडर करूँगा कि जो जाने माने नाम है ब्रांड्स के, जो आपने देखा है कि इनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है, तो आप उन्हीं ब्रांड्स के साथ जाइए, यही मैं आपको प्रेफर करूँगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो सोलर वाटर हीटर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हो सकता है इनके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए हो, अगर रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। चलिए अब आपको दिखाता हूं टॉप 5 सोलर वाटर हीटर्स जो मार्केट में अवेलेबल है। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है रेकॉर्ड ब्रांड का रेकॉर्ड अल्फा प्रो सोलर वाटर हीटर। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 लीटर पर डे, लेकिन इस ब्रांड के मल्टी कैपेसिटी मॉडल्स अवेलेबल हैं। Amazon पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो वो है 33,000 rupees, और ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है। इसके टैंक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरोनॉक्स टैंक मटेरियल, इनका अलग से ही ये मटेरियल है जो कि रेकॉर्ड कंपनी यूज़ करती है, इस मटेरियल का इनका टैंक बना हुआ है। इसके अलावा ये हार्ड वाटर के लिए काफ़ी सूटेबल है, इसमें अप टू 1000 ppm
500 क्लोराइड एंड 7.5 पीएच का वाटर आप इसमें यूज कर सकते हैं। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है सुप्रीम ब्रांड की तरफ से। अब सुप्रीम काफी जाना माना नाम है सोलर वाटर हीटर्स की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम किसी के भी जबान पर आता है तो वो सुप्रीम ब्रांड का ही आता है। इनका ये वाला जो सोलर वाटर हीटर आप देख रहे हैं ये 200 लीटर्स पर डे कैपेसिटी के साथ आपको मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको मल्टी कैपेसिटी मॉडल्स मिल जाते हैं। ये वाला भी अगेन सेम इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, अराउंड 25,000 के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ेगा। और इसका जो टैंक मटेरियल है वो ग्लास लाइन कोटिंग टैंक मटेरियल है, यानी कि इसमें भी आप हार्ड वाटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई टैंक को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वारंटी इसमें भी आपको सेम मिलेगी 5 साल की। नंबर थर्ड पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है वी गार्ड ब्रांड की तरफ से, वी गार्ड विन हॉट सीरीज सोलर वाटर हीटर। ये भी इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है और ये भी अमेजोन पर अवेलेबल है। इससे पहले जो सुप्रीम ब्रांड का मॉडल मैंने आपको दिखाया था वो भी अमेजोन पर अवेलेबल है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। इस वी गार्ड वाले सोलर वाटर हीटर की जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, अराउंड 22,000 के आसपास इसकी प्राइस आपको पड़ेगी और इसमें भी आपको मल्टी कैपेसिटी मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अगर मैं मटेरियल की बात करूं टैंक के मटेरियल की तो उसमें फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील विद एल्यूमिनियम स्टुको क्लैडिंग इस मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ है और 5 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है। अब जिस मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ है ये स्टेनलेस स्टील है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये मटेरियल सॉफ्ट वाटर के लिए बेटर होता है। अगर आप हार्ड वाटर आपके एरिया में आता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस मॉडल को कंसीडर मत कीजिए। उसमें आप मटेरियल की क्वालिटी देखिए, अगर टैंक का जो मटेरियल अगर वो किसी स्पेशल कोटिंग के साथ बना हुआ है या फिर GI मटेरियल का बना हुआ है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है हैवेल्स ब्रांड की तरफ से, हैवेल्स सोलेरो 150 लीटर सोलर वाटर हीटर। अब हैवेल्स भी काफ़ी जाना माना नाम है। ये वाला जो मॉडल है ये अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट हैवेल्स वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं या अपने घर के आसपास किसी लोकल डीलर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय द वे इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर ऑनलाइन जाकर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है ये भी, इसका जो प्राइस है वो अराउंड 27,000 के आसपास आपको पड़ेगा। मल्टी कैपेसिटी मॉडल्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं और इसका जो टैंक मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील है। अगेन सॉफ्ट वाटर अगर आपके एरिया में आता है तो आप स्टेनलेस स्टील प्रेफर कीजिए, अदरवाइज इसको आप रहने दीजिए। वारंटी इसमें भी आपको 5 साल की मिलेगी। लास्ट पोजीशन पर आ जाता है मंडाता इन्वेंशंस सोलर वाटर हीटर। अब इस ब्रांड का नाम आपने नहीं सुना होगा और मैं बता दूं मैंने भी इस वीडियो को बनाने से पहले इस ब्रांड का नाम नहीं सुना था, लेकिन ये जो सोलर वाटर हीटर है इसमें एक खास बात आपको मिलेगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले ये सोलर वाटर हीटर भी आपको अमेजोन पर मिल जाएगा और ये भी सेम टेक्नोलॉजी वाला है, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर वाटर हीटर है ये। प्राइस रेंज जो इसकी है वो अराउंड 28,000 के आसपास आपको पड़ेगी। मल्टी कैपेसिटी मॉडल्स अवेलेबल हैं, अगर आप 100 लीटर या 150 लीटर या 200 लीटर का कोई भी मॉडल लेना चाहते हैं तो सारे आपको मिल जाएंगे। इसका जो टैंक मटेरियल है वो GI और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो अगर मैं टैंक मटेरियल की बात करूं तो जो सबसे ऊपर मैंने आपको मॉडल दिखाया था यानी कि रिकॉर्ड का, वो काफ़ी बढ़िया था। सुप्रीम का सोलर वाटर हीटर काफ़ी बढ़िया था। बाकी जितने मॉडल्स मैंने आपको दिखाए इनमें ज़्यादातर में जो टैंक मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का यूज़ हुआ है। तो स्टेनलेस स्टील मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सॉफ्ट वाटर के लिए बढ़िया होता है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें 15 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो देखिए कहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम हैं जो कि 5-5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो ब्रांड है ये 15 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरू में भी जब मैं वारंटी बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वारंटी तो जैसी मिलेगी आपको वैसी मिलेगी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस आप कंसीडर कीजिए। किसी भी ब्रांड के साथ आप जाइए, चाहे वो बड़ा ब्रांड या छोटा ब्रांड, एक बार उसके रिव्यूज़ चेक कीजिए, क्या कुछ लोगों ने उनके प्रोडक्ट पहले परचेज करे हैं, यूज़ करे हैं और वो कैसा रिव्यूज़ दे रहे हैं, तभी आप एक बढ़िया प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीद पाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सोलर वाटर हीटर से रिलेटेड ज़्यादातर जानकारी देने की कोशिश करी। टाइप्स कितने होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको खरीदते समय किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, टॉप मॉडल्स कौन से अवेलेबल हैं। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।